हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेल प्रेप एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, यूके ट्रिपल एससी ने जो जीबी पंत यूनिवर्सिटी का जो सहायक लेखाकार का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसका उन्होंने दोबारा से जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया है, राइट। तो एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आज इसका नोटिफिकेशन इन्होंने डाला है 25/10 को, ठीक है। 31/10 से आप अप्लाई कर सकते हैं और 15 दिसंबर, राइट, 15 दिसंबर इज़ दी लास्ट डेट टू अप्लाई। तो 15 दिसंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, इसका जो लिखित परीक्षा का जो अनुमानित समय है, टेंटेटिव डेट इन्होंने दी हुई है जनवरी 2020, ठीक है। 93 पोस्ट हैं टोटल जीबी पंत यूनिवर्सिटी में, ठीक है गाइस। तो वही ओटीआर वाला सिस्टम है, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है आयोग की वेबसाइट पर आपको करना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले, ठीक है। और टोटल वैकेंसीज़ कुछ इस तरीके से हैं, एससी की 20 वैकेंसीज़ हैं, विमन रिजर्वेशन और बाकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हैं वो सारे दिए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से टोटल 93 वैकेंसीज, जनरल की 46, जिसमें से 13 वीमेन की हैं और बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, राइट। तो अब आप देख सकते हैं साइड में जो अदर्स वाला कॉलम है, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हटाने के बाद जो बचती हैं वो हैं, जैसे जनरल की 28 वैकेंसीज़ हैं जो नॉर्मली जो लोग अप्लाई करेंगे रिजर्वेशन के अलावा, जनरल के अंदर जो भी रिजर्वेशन आते हैं उसके अलावा 28 पोस्ट हैं आपके पास जनरल में, राइट। और ईडब्ल्यूएस की 8 पोस्ट हैं, जिनमें से वीमेन की 2 हैं और बाकी 6 अदर्स की हैं, ठीक है। अब वेतनमान वही रहेगा, 2800 पे स्केल वाली वैकेंसी है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, आपको कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए या बीबीए हो, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी। 3 क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बताई, या तो आप ग्रेजुएट हो कॉमर्स में यानी बीकॉम, और बीबीए हो आपके पास, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, ठीक है। और हिंदी में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। लिखित परीक्षा होगी 100 अंकों की, ठीक है, 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है उसके अकॉर्डिंग जो है जो वेबसाइट पे इसका सिलेबस दिया गया है आप देख सकते हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया गया है। तो नॉर्मली वही रहेगा, अकाउंटेंसी और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स में, ठीक है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स लाना जरूरी होगा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। वही 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और बाकी नॉर्मली सब कुछ वही है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई थी और 1 जनवरी 2017 को आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक वर्ष एक ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 2017 इज़ दी क्वालिफाइंग डेट फॉर दी यू नो फॉर दी डेट ऑफ बर्थ फॉर दी जिसे हिंदी में बोलते हैं आयु की गणना 1 जनवरी 2017 को होगी, ठीक है। और जो नए कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, नए अभ्यर्थी, उनके लिए 1 जुलाई 2019 होगी, 1 जुलाई 2019 को 21 वर्ष होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो मैंने आपको 1 जनवरी 2017 वाली डेट बताई है वो पिछले कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे पिछले एग्ज़ाम में उनके लिए है, ठीक है। बाकी नए कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो 1 जुलाई 2019 को अपनी इस आयु की अर्हता को पूर्ण करते हों, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दे देता हूँ, ठीक है। अनरिजर्व के लिए फ़ीस 300 रुपये रहेगी और बाकी कैटेगरीज़ के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 300 है और अदर कैटेगरीज़ के लिए 150 रुपये है, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन में जो मेन बताने लायक बातें थी ये थी, और सबसे मेन बात बताने लायक वो यही है गाइज कि जनवरी 2020 इज़ दी टेंटेटिव डेट, राइट। तो जनवरी 2020 जो है ये टेंटेटिव डेट है, इसमें कभी भी एग्ज़ाम आपका कराया जा सकता है। तो आपके पास 2-3 महीने, अभी देख लीजिए आपका अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी, हाँ 2-2.5 महीने आपके पास हैं तैयारी के लिए। तो आप जितना बेटर तैयारी कर सकें उतना आपको करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। और मैं भी इसके लिए आपको वीडियोज़ देता रहूँगा, ठीक है। तो बाय गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।